इन दिनों रीवा में गुंडाराज है। शायद आप आए दिन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबरें देख रहे हैं, किस तरह से सरेराह गुंडागर्दी कर लोगों का अपहरण मारपीट की घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वह अस्पताल हो, चाहे सिरमौर चौराहे का भीड़भाड़ वाला इलाका या अन्य स्थानों से उठाकर पिटाई के मामले। आए दिन हो रही वारदातों से जहां आम जनता भय पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है, वहीं पुलिस कार्यवाही के नाम पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वाह वाही लूट रही है। हकीकत क्या है, ये आए दिन होने वाली घटनाओं से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ताजा मामला सिरमौर चौराहे का है, जहां पर एक स्कूटी सवार युवक युवती के साथ गुंडों ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस तरह से गुंडों के हौसले बुलंद है। कहने को तो चौराहे चौराहे पर CCTV कैमरे लगे हैं, पुलिस तैनात रहती है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन स्वयं कह रहे हैं कि उनके द्वारा टीमें लगाई गई है जो घटना स्थल पर तुरंत पहुंचती है, लेकिन इन टीमों का और पुलिस का कितना खौफ अपराधियों पर है, यह आप आए दिन होने वाली घटनाओं से देख सकते हैं। मऊगंज में युवक की हत्या, पुलिस तामाशाबीन बनी रहती है। कहीं प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण कर गुंडों के द्वारा पिटाई की जाती है, तो कहीं अस्पताल में पहुंचे मरीजों के परिजनों को बेरहमी से पीटा जाता है। इसके बावजूद पुलिस लाइन ऑर्डर कंट्रोल में होते हुए चारों तरफ शांति व्यवस्था की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है। देखिए और सुनिए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन का क्या कहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के तहत जो भी शहर के व्यस्त मार्ग हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, वहां पर शराब पीने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में कल सूचना मिली थी कुछ व्यक्ति शराब पी के झगड़ रहे हैं, उस दौरान तत्काल आसपास का जो फोर्स था पहुंचा और उन्होंने उन पर कार्रवाई की है। हमने अपनी पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं उनको निर्देश दे रखा है, ऐसी प्रत्येक सूचना पर तत्काल पहुंचकर कार्रवाई करें। पुलिस हेल्पलाइन का भी इसमें उपयोग हम लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आम नागरिक सूचना दें और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके हम लोग अच्छा वातावरण यहाँ पर निर्मित कर सकें।